आज हम बनाएंगे अदरक की चटनी। अदरक 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स गुड़ और 50 ग्राम्स लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, और एक टैंगी फ्लेवर का अचार बनेगा, बहुत टेस्टी हो रहेगा, देख लीजिए। और 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल और लहसुन की धनिया 10-15। अब 1 चम्मच जीरा। अब तेल पैन रख दिया है, 2 से 3 चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। और इसको 50 ग्राम्स इमली भी लिया है, वो मैंने गरम पानी में थोड़ा भिगो कर रखा था। अभी इसको पैन में, अभी इसको उड़द दाल, चना दाल और धनिया तीनों को मिलाकर एक साथ हम अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ओनली 50% फ्राई करना है, 50% इसलिए कि लाल मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे अभी उसके साथ, और ये भुनने जाते हैं ना, इसलिए इतना याद रखिए कि नहीं जल जाए। अभी मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको भुनना है। अभी लाल मिर्च के साथ ये चना दाल भी भुन के रेडी होंगे। अभी ऐड करेंगे अदरक। अदरक का कच्चापन जाने तक इसको अच्छे से और मीडियम लो फ्लेम पे ही अच्छे से भून के और ठंडा होने के लिए बाजू में रख देंगे। बहुत अच्छा टैंगी फ्लेवर अचार बने बन के तैयार होगा, आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत अच्छा टेस्टी रहेगा। अब इसको ठंडा होने के बाद अब इसको मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे, बहुत बारीक फाइन पेस्ट पीस लेना है। अब इसमें भी अभी थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि गरम पानी में मैंने भिगोया था 50 ग्राम्स इमली। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालना, अचार खराब हो जाएगा, इसलिए गरम पानी में ही डालना है। थोड़ा सा और 1 चम्मच जीरा, और आप गुड़ लिया है 100 ग्राम्स, और ये लहसुन की कलियां 10-15 लहसुन की कलियां डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे और गुड़, गुड़ 100 ग्राम्स डबल लेना है, अदरक 50 ग्राम्स, मिर्ची 50 ग्राम्स हुए तो 100 ग्राम्स गुड़ लेना है। गुड़ इसलिए डालते हैं कि तीखापन ये काटेगा, अदरक और मिर्ची का तीखापन ये काटेगा और बहुत टैंगी फ्लेवर देगा। और इसमें 3 3 चम्मच नमक डालेंगे, लगभग 50 ग्राम्स नमक है। और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ही इसको बारीक पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल भी ठंडा पानी मत डालिए, नहीं तो अचार आपका जल्दी से खराब हो जाएगा 2-3 दिन में। अचार टिकने के लिए 1 से 2 मिनट टिकेगा, गर्म पानी ही डालना है। देखिए कितना फाइन पेस्ट तैयार होके रेडी हो चुका है, रेड कलर आया है, मस्त ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिख रहा है ना अचार। ये अचार आप इडली डोसा के साथ भी खाए जा सकते हैं। अब तेल गरम करके तड़का देंगे ऊपर से, इसको तड़का नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन मैं देती हूँ। देखिए तेल गरम हो चुका था, राई डाल दिया है और चना दाल, लाल मिर्च डाल दिया, और तेल, ये तड़का ठंडा होने के बाद ही ये अचार में मिलाइए, क्योंकि अचार बहुत दिन तक, 1-2 महीने तक टिकेगा। अगर आप गरम तेल डालेंगे तो अचार बिगड़ेगा और अच्छा नहीं लगेगा। देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल कलर आ चुका है, और ये अचार आप किसी के साथ भी खा सकते हो, इडली डोसा, राइस, घी, बहुत अच्छा लगेगा। टैंगी फ्लेवर अचार रेडी है।